हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी ओप्पो A53s 5G मोबाइल है तो कैसे आप अपने फ़ोन में ब्लैक लिस्ट नंबर को रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के डायल पैड को कर लेना है ओपन। डायल पैड को ओपन करने के बाद यहां पर देख लेना है वो नंबर है या नहीं है जो ब्लैक लिस्ट में आपने ऐड किया है। अगर नहीं है तो आपको चले जाना है बैक। बैक जाने के बाद आपको सेटिंग पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको सिस्टम ऐप पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे टॉप में कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ब्लॉक पर ब्लॉक का जो ऑप्शन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक लिस्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है जो भी नंबर ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी ऐड किया है, उसके बाद आपको एडिट पर कर देना है। यहाँ पर क्लिक, एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको टिक कर लेना है और रिमूव, और यहाँ पर जो है आपको रिमूव ऑल नंबर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इसी तरह से ब्लैक लिस्ट नंबर को रिमूव कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।